हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी विल सी ट्रेड सेटअप फॉर टुडे 3rd सितंबर। लेट्स सी, वी विल स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में जैसे दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट, स्ट्रांग अप ट्रेंड है। दिस रेंज कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रांग अप ट्रेंड है। परसों एक अच्छा बुलिश कैंडल के बाद फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर ड्यू टू मार्जिन इश्यू और पीक मार्जिन इश्यू देर इज अ लेस वॉल्यूम इन द मार्केट, और यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ और हमें लगा कि एक फॉल आ सकता है। बट सिंस वी हैव आई हैव सेट कि ये एक आवरली चार्ट में अगर हम जाएं तो हमें देखेगा, आई हैव सेट दैट कि ये लेवल ब्रीच होगा तो ही वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल टुवर्ड्स दिट्स। बट ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ, कल के लोग को ही होल्ड करके मार्केट गैप ओपन होके फिर फुल डे ट्रेंडिंग मार्केट था। एक भी कैंडल इसमें, अगर आवरली कैंडल देख रहे हैं आप लोग, एक भी कैंडल इसमें बेरिश नहीं है। बट इट क्लोज्ड ऑलमोस्ट नियर टू प्रीवियस हाई, उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है बट सिमिलर टू दैट लेवल, बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो उसी जोन के आसपास है जहां से फर्स्ट टाइम सप्लाई मिला था हमें, उसी जोन के आसपास है। तो बट हमारे लिए 17,200 की लेवल है, उसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक वी कैन एक्सपेक्ट टुवर्ड्स 17,300, 400 एंड 600। अगर इसके नीचे निकलता है, लेट्स से अगेन आवर की लेवल भी दिस वन, नाउ दिस वन इज की लेवल इज 17,050 का जोन, उसके बाद फिर ये 100-150 पॉइंट का और नीचे मिल जाएगा हमें लेवल। तो अभी हमारे लिए 17,200 इंपॉर्टेंट है, 17,200 होल्ड होना चाहिए आवरली कैंडल क्लोजिंग बेसिस। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो फिर नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे हमें इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में एक एज यूजुअल एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, अपर साइड एंड में चल रहा है अभी ये। एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद जो गैप अप ओपन हुआ, ब्रेकआउट हुआ बट वो सस्टेन नहीं हुआ इंट्राडे में, ऊपर से एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ, और बट वो ट्रेड एक्टिवेट तब होगा जब इसका लो ब्रीच होगा। बट वो लो ब्रीच हुआ नहीं, वहीं से उसी लो को मेंटेन करके एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, और दैट टू अबव आवर रेजिस्टेंस लाइन। दैट रेजिस्टेंस लाइन इज 36,450 का, उसके ऊपर ये कैंडल मेंटेन रहा कल पूरे दिन और अच्छी खासी क्लोजिंग मिली। एज यूजुअल हमारा जो 37 के आसपास एक स्मॉल ओआई रेजिस्टेंस रहेगा वो निकलते ही 37,500 to 700-800 वाला जोन ओपन हो जाएगा हमारे लिए इन बैंक निफ्टी। ये ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है निफ्टी भी 17,300-400 की तरफ बढ़ जाएगा। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन से स्टॉक्स हैं निफ्टी में देखें तो रिलायंस ने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नेक्स्ट रीटेस्ट, फिर एक इनसाइड कैंडल, अगेन बुलिश कैंडल, जिसने पिछले वीकेंड से कि पिछले 3 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। लास्ट अगर 14th जून को जो हमें 14th जून को जो क्लोजिंग मिली थी, दैट क्लोजिंग प्राइस 2245 अराउंड, और आज की क्लोजिंग प्राइस उसके बाद जो मिली है वो है 2294, प्रिसाइसली 9495 वाला। तो ये हमारा हाईएस्ट क्लोजिंग मिली, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 23,5070 की तरफ जाए। अगर 70 या 2400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर एक अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा, बहुत हाई लेवल्स मिल जाएंगे हमें। बट एज ऑफ नाउ मेरे लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, जब तक ये आई कैन से 2250 को टिक रहा है, 2250-2270 के ऊपर टिक रहा है रिलायंस, तब तक क्वाइट पॉसिबली 2350-2370 के लेवल्स ओपन अप हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो सुपर परफॉर्मेंस दिया है वह है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट ने क्या किया कि एक जोन था, जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है विद इफ यू सी वॉल्यूम्स तो हायर वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ हायर वॉल्यूम्स देख रहे हो आप, तो यहाँ पे बाइंग जनरेट हुई है इन द लोअर एंड ऑफ दिस राउंडिंग बॉटम। तो क्वाइट पॉसिबली आई एम एक्सपेक्टिंग ए टारगेट ऑफ इन इंडिया मार्ट अराउंड 8900, देन 9400, फाइनली 10K के आसपास का टारगेट ओपन अप होंगे। लेकिन ये एक वन वे स्ट्रेट लाइन में जाएगा नहीं, बीच में पुल बैक्स आएंगे, वी हैव टू एब्रेस देम, और उसको पुल बैक को हमें एब्जॉर्व करते हुए फिर ऊपर के टारगेट्स को हमें लेके जाना है, ठीक है। तब तक होल्ड करेंगे हम, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। इंडिया मार्ट लुकिंग ऑसम इन द सेटअप। देन नेक्स्ट इज डिक्सन टेक। डिक्सन टेक में एक पैरेलल चैनल टाइप का आप बोल सकते हो, पैरेलल चैनल ड्रॉ हो रहा है इसी वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में एक पिन बार टाइप का फॉर्म हुआ, पिन बार के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है। आज वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा, लेट्स सी कहाँ पे क्लोज होता है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो रहा है डिमांड जोन के आसपास से। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से
एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ फिफ्थ टाइम, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया, रन अप के बाद थोड़ा देर होल्ड किया 2-3 दिन, उसके बाद एक अगेन बाउंस। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये लेट्स एज्यूम 4400 इज द की लेवल इन डिक्सन टेक, 4400 के ऊपर निकलता है तो देन ऑब्वियसली बात है कि 4700 एंड 4800 4900 के आसपास का टारगेट ओपोनेंट डिक्सन टेक में स्मॉल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम लोग, जो इसके कैंडल्स के लो है अराउंड 4100, 4100 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए तो हम निकल जाएंगे ट्रेड में, लोअर एंड का वेट नहीं करेंगे। दिस इज द ट्रेड सेट इन डिक्सन टेक एंड लास्ट स्टॉक इज कॉन्कोर कंटिन्यू स्टॉक। तो हमने पहले भी इसको एनालाइज किया, आई थिंक एक रन अप हॉल्ट ब्रेकआउट रन अप हॉल्ट अगेन इट्स ट्राइंग टू ब्रेकिंग आउट, इट्स ट्राइंग आई एम सेइंग कि अगर ये लेवल ब्रीच होता है लेट्स से 750 का, 750 के ऊपर कोई भी कैंडल निकलता है क्लोजिंग तो हमारा एक अच्छा खासा रन अप मिल सकता है, देन 800 850 900 के जोन के आराम से ओपन हो रहा है कंटेंशन कॉप का, तो ये रेडार में रखना। वॉल्यूम भी ठीक ठाक जनरेशन हो रहा है तो अच्छा खासा सेटअप बन रहा है चार्ट्स पे, रन अप हॉल्ट रन अप हॉल्ट रन अप क्वाइट पॉसिबली अभी आया नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक अवर वीडियो, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल, थैंक यू वेरी मच।